राहुल मिश्रा, और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो एक नए तरीके की तहरीर रेप के मुकदमे में फर्जी सेक्सुअल रिलेशनशिप के मामले बढ़ाने के लिए, परिवार को परेशान करने के लिए जो तहरीर आज की डेट में लिखी जा रही है उसमें परिवार के सदस्यों का नाम किस तरीके से जोड़ दिया जा रहा है उसको आज हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन और उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स आपको अपनाने चाहिए, परिवार के तौर पर आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जबकि आपका कोई रोल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिटेल में आप लोगों से बात करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। अब देखिए सिचुएशन ऐसी आती है कि लड़का लड़की आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी रीजन की वजह से उनकी बनती नहीं है, तो लड़की क्या करती है, उनके पास एक हथियार है क्योंकि वो महिला है, उनको फर्जी रेप के मुकदमे लिखाने हैं, उसमें पैसा कमाना है, तो फर्जी मुकदमा रेप का लिखा देती है और पैसा वसूलने की कोशिश करती है। अब मुकदमा, क्योंकि वो लड़की है, उनका पंजीकृत भी हो जाता है, लेकिन मुकदमा पंजीकरण कराने से पहले बहुत सारे नाटक वो करती हैं, लड़के के घर घुस जाना, उसके परिवार के साथ मारपीट करना, उसके साथ मारपीट करना, फिजिकली असॉल्ट करना, लड़कियों द्वारा फिजिकली असॉल्ट करना, क्योंकि लड़का जानता है कि वो लड़का है, वो फंस जाएगा, वो महिला है, उसके फेवर में कानून है, इसलिए वो हाथ नहीं उठाता है। लेकिन लड़कियों द्वारा उनको फिजिकली अब्यूज किया जाता है, वर्बली अब्यूज किया जाता है, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना हर प्रकार से दी जाती है। और इसमें ही एक चरण ये भी है कि लड़के के परिवार में उसके घर में जाके घुस जाती हैं, उसके घर में घुस के बैठ जाती हैं और उसके बाद उसके घर भर का नामो नामित कर देती हैं। वो कहेंगे अगर तुम बोलोगे तुम्हारा नाम लिखा देंगे, जो पैरवी करेगा उसका नाम लिखा देंगे, घर भर का नाम लगा देना, पूरे परिवार को जाके उसके घर पे हैरेसमेंट करेंगी, उसके साथ गाली गलौज करेंगी, मारपीट करेंगी और फिजिकली, वर्बली, मेंटली हर तरीके से उसको हैरेस करेंगी और उसके बाद उसी से पैसे वसूलने की कोशिश करेंगी। जहां पर पैसे की लेन देन नहीं होगी, अब लड़का बिल्कुल फंसा है तो उसके भैया, भाभी, माता पिता उस लड़की से अनुरोध करेंगे कि हमारा लड़का छोड़ दो, बख्श दो, परेशान ना करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो इसका भी आधार बनाते हुए वो कहेंगे कि जब मैं लड़के के घर गई थी, उससे विनती करने गई थी अपनी शादी की, जब आप उनसे कहोगे कि हमारे घर घुसी तो कहेंगे मैं शादी करने के लिए उनसे विनती करने गई थी तो उन्होंने मुझे जाति, अगर किसी और कम्युनिटी से हैं तो कहेंगे कि जाति सूतक जो सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुझे गाली गलौज करी, मेरे साथ मारपीट करी, उसके भैया द्वारा मुझे बुरी नजर से देखा गया ताकि 354 लग जाए, 323 लग जाए, 504, 506 लग जाए। कई बार तो भी एक तहरीर पढ़ रहे थे जिस और उसमें लिखा था कि मेरा सर भी फोड़ दिया उसके भैया ने, और रियलिटी ये थी कि लड़की ने ईंटा उठाया, अपने सर पे मार लिया। 325 लगाने की तैयारी है पूरी तरीके से कि आप समझ लीजिए पूरे घर को फंसा दिया जाता है। अब रहेगा कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध इन्होंने मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे बनाए हैं, पैसा भी ले जाएंगे और उसके बाद 3-4 महीने बाद मुकदमा लिखा देंगी, एक बार पैसा दिया तो आप रेगुलर पैसा देते चले जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब परिवार भर का नाम डाल दिया है, पूरे सदस्यों का नाम डाल दिया है, लड़के का डाल दिया, उसने कुछ किया नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको सिंपली FIR क्वेश्चनिंग में जाना है। आपके पास जितने एविडेंसेस हैं, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, चैट्स है, घर पे घुस के आई है, आपने 112 नंबर पुलिस को बुलाया है, आपने उसके खिलाफ कोई शिकायती पत्र दे रखा है उसकी कंप्लेंट से FIR से पहले, तो आपके पास अगर ये सारी चीजें, और कोर्ट भी आजकल ये चीज समझती है कि परिवार भर के द्वारा उस महिला को फिजिकली मेंटली अब्यूज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट भी कई सारे जजमेंट्स इस मैटर में प्रोनाउंस कर चुकी है कि आजकल लड़कियों द्वारा जो है 498A के साथ 498A के साथ 376 का मिसयूज हैवियस तरीके से किया जा रहा है, एकदम बहुत कॉपियस अमाउंट में फर्जी केसेस आ रहे हैं और इसमें पूरे परिवार को नामित कर दिया जाता है ताकि वो हैरेस हो सके और उनसे वसूली हो सके। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक लोगे, अननेसेसरी का फ्रंट पे आके लड़ाई नहीं करोगे, बैकडोर से लड़ोगे, और कोई भी महिला आपके विरुद्ध फर्जी शिकायती पत्र प्रेषित करे उससे पहले उसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है। मुकदमा आना शाश्वत है कि आपके खिलाफ मुकदमा आएगा और पक्का आएगा, नहीं करे रहोगे तो बच नहीं पाओगे, इसलिए बचने का ग्राउंड अपने लिए क्रिएट करके रखो कि महिला के विरुद्ध तुमने शिकायत करी तो उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दी झूठी, क्योंकि वो महिला है इसलिए तुम्हारी अरेस्टिंग उसमें हो सकती है, तुम पुरुष हो इसलिए तुम्हारे मैटर में उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा, पुरुष हो तो अपनी हद में रहो, आपके लिए कुछ नहीं है, आप देश की धरोहर संपदा सब हो, आपका देश की GDP में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है पुरुष होने के नाते, आप लेबर से लेके इंजीनियर और आर्किटेक्ट तक हो, ठीक है, आप एयरक्राफ्ट भी चलाते हो, आप लेबराई भी करते हो, लेकिन आपकी वैल्यूएशन यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी सिंपल सा कोई भी महिला आएगी,
उठेगी, नहाएगी धोएगी नहीं, सीधे पुलिस स्टेशन चली जाएगी, कहेगी एफआईआर लिखो मेरी, इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी, आप झेलते रह जाओगे। उम्मीद है वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।